टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मध्य प्रदेश के गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शिवराज सरकार ने व्यापारियों को मंडी टैक्स में छूट दी। बंदरगाह तक अनाज पहुंचाने के लिए रेलवे रैक उपलब्ध करवाए, भंडारण की व्यवस्था भी बनवाई, लेकिन अब लगभग 17 लाख टन गेहूं फंस गया है। निर्यात पर लगी रोक के कारण व्यापारी और सरकार दोनों ही असमंजस में फंस गए हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार उन व्यापारियों की जानकारी जुटा रही है जो अग्रिम भुगतान ले चुके हैं या जिन्होंने विदेश में सौदे कर लिए हैं। ऐसे मामलों में रास्ता निकालने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा करेंगे। इसके पहले भी 60,000 टन गेहूं मुख्यमंत्री की दखल के बाद निर्यात हो चुका है। विदेश में गेहूं की मांग बढ़ने को मुख्यमंत्री ने अवसर के तौर पर लेते हुए व्यापारियों को निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में निर्यातकों से चर्चा की और कई सुविधाएं भी दिलवाई। रेलवे से रैक उपलब्ध कराई तो बंदरगाह में गेहूं रखने के लिए 30 लाख टन की क्षमता का इंतजाम भी करवाया। कुल मिलाकर मंशा यही थी कि किसानों को उपज की अच्छी कीमत मिल जाए और मध्य प्रदेश के गेहूं की पहचान बन जाए। व्यापारियों ने भी इस मौके का लाभ उठाया और 13 मई तक 23,79,823 टन गेहूं खरीदा। इसमें से 6,68,000 टन गेहूं निर्यात हो चुका है, 2 लाख टन बंदरगाह पर रखा हुआ है और 1,04,000 टन से अधिक गेहूं व्यापारियों ने बंदरगाह और भेज दिया। 9,43,745 टन गेहूं निर्यातकों ने खरीद कर मध्य प्रदेश के गोदामों में रखा है। निर्यात पर बंदिशें लगने के कारण अब सरकार की कोशिश है कि 17 लाख टन गेहूं के निर्यात का रास्ता निकल जाए। दरअसल व्यापारियों ने निर्यात के लिए निर्यातकों से दौरे करने के साथ कुछ प्रकरणों में अग्रिम भुगतान भी ले लिया है। इन सभी की जानकारी एकत्र की जा रही है ताकि केंद्र सरकार से चर्चा करके कुछ रास्ता निकल जाए। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री पूरे प्रकरण को देख रहे हैं और वे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा भी करेंगे। सरकार ने मध्य प्रदेश का गेहूं निर्यात होने पर व्यापारियों को मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान किया है। इसका लाभ 6.5 लाख टन गेहूं निर्यात कर चुके व्यापारियों को तो मिलेगा, लेकिन 17 लाख टन गेहूं का 510 करोड़ मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति का भी पेच फंस गया है। मंडी बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि निर्यात संबंधी दस्तावेज जमा करने पर प्रकरण वार राशि स्वीकृत करके उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश का गेहूं अब तक 6 देशों में भेजा जा चुका है। इसमें बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और मिस्र शामिल हैं। मिस्र की मांग 5 लाख टन से अधिक है। इसके लिए मंडी बोर्ड अब प्रयास कर रहा है कि केंद्र सरकार के माध्यम से इस मांग की पूर्ति मध्य प्रदेश करे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया है कि प्रदेश के गेहूं का निर्यात बढ़े इसके लिए व्यापारियों को प्रोत्साहित किया। 6.5 लाख टन से ज्यादा निर्यात हो चुका है, शेष गेहूं के निर्यात को लेकर उनकी कोशिश जारी है। केंद्र सरकार से भी चर्चा की जा रही है। जो देश गेहूं की मांग कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर मध्य प्रदेश का गेहूं उपलब्ध कराया जाए, इस दिशा में काम किया जा रहा है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।